ये रास्ता सीधा जाम चाकरों जाता है। मैं उस लैंडफिल साइट जाता जरूर, मगर वहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और खासतौर पर उस वक्त जब आपने सूट और टाई लगा रखी हो। मियाँ, दूर से दुहाई देना बहुत आसान है, हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखा। मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा था कि कचरा ठिकाने लगाने का ये निज़ाम या बदनज़मी सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, बल्कि वो लोग जो कचरा जमा करते हैं उसे ठिकाने लगाने का इंतज़ाम करते हैं उनमें भी बीमारी का बायस है। उनके इलाज मुआलजे के लिए खास बंदोबस्त तो दूर की बात, उन्हें पहनने के लिए हिफाजती मास्क भी नहीं दिए जाते। नहीं, बस मुंह पे कपड़ा बांध के काम कर रहे हैं। सेहत के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है, गुर्बत जाहिर करनी है। लेकिन किसी को क्या चलता है। अगर सैनिटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ा भी दी जाए तो ट्रक और डंपर्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। गुज़श्ता सिटी गवर्नमेंट ने 700 मिलियन रुपयों की लागत से सफाई की मशीनरी खरीदी थी, मगर इसमें से 200 व्हीकल जिनमें लोडर्स और डंपर भी शामिल हैं मरम्मत के इंतज़ार में बेकार खड़े हैं, और जो चल रहे हैं उनमें भी बस का ये हाल है कि अगर हमारा बस चले तो जहाँ ये कचरा फेंक कर आते हैं इनको भी फेंका है। उनका जो निज़ाम है एक तो इनएफिशिएंट है, दूसरा बहुत करप्ट है कि जो खर्चा दिखाया जाता है वो मेरे ख्याल से रोज़ाना 2 या 3 ट्रिप्स का दिखाया जाता है, और उसी हिसाब से वो डीजल क्लेम कर लेते हैं, उसी हिसाब से वो रिपेयर के पैसे चार्ज कर लेते हैं। बल्कि ये भी सुनने में आया है कि जो डीजल के पंप्स हैं वो भी इनके स्पेशलाइज्ड हैं, वहाँ उनसे मिली भगत होती है। तो अखराजात जो हैं वो तो बेशुमार हैं, और काम की जो नौइयत है मेरे ख्याल से वो 1/3 से ज़्यादा नहीं है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि कराची से निकलने वाले कचरे का बड़ा हिस्सा रिसाइकिल करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में पिछली सिटी गवर्नमेंट ने कई कोशिशें भी की मगर कोई नतीजा नहीं निकला। कि वेस्ट हमारे मुल्क में वाकई वेस्ट समझा जाता है, दुनिया भर में वेस्ट जो है वो एक एसेट होता है, उस एसेट को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट की सेग्रीगेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं। दुनिया भर में जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है वो स्टार्ट होती है सेग्रीगेशन से, कि नेचर ऑफ वेस्ट जो है उसको हम पहले मरहले पे ही सेग्रीगेट कर लें, ताकि उसका ट्रीटमेंट और इसका डिस्पोजल, पहली बात तो ये कि पता चल जाए कि कैसे डिस्पोज करना है और ट्रीट करना है, और फिर हम उसे फाइनली डिस्पोज कर दें। जो सॉलिड वेस्ट के नेचर है उसके बारे में लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि हर ठोस चीज़ जिसको हमने फेंकना है उसे सॉलिड वेस्ट हम बना देते हैं। जाम चाकरो लैंडफिल साइट पे 500 एकड़ ज़मीन है, वहाँ ले जाके वो लौट देते हैं, और वहाँ बाज़ दफ़ा आग लगा देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं करेंगे तो इसकी मकदार कम नहीं होगी। तो ये जो गैर साइंटिफिक तरीका है कि ले जाके वहाँ फेंक दें तो ये चल नहीं सकता। तो 500 एकड़ की ज़मीन जो है उसे हमें बहुत ही प्रॉपरली यूज़ करना है, ताकि ये ज़मीन हमारी बरकरार रहे जो 500 एकड़ है। खुश किस्मती से हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आम उन्नास की और इंतजामिया की तरह कचरा फैलाने की बजाय शहर को साफ सुथरा रखने का टैलेंट रखते हैं। गार्बेज को लोगों ने समझा कि कोई एक आइटम नहीं है, इसमें कैटेगरीज सब कैटेगरीज हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है, सिर्फ ये है कि ये मिक्स हो गया। नहीं, कचरा तो उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बहुत पहले एक कंपोस्ट प्लांट बना था, मेरे ख्याल से कोई 30-40 साल पहले कोई बाहर से कोई साहब आए थे, उन्होंने कंपोस्ट बनाया, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये था उनको कूड़ा नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो स्टाफ है इसका इंटरेस्ट है कि वो कूड़ा जो है इनके हाथ में रहे और इसको मुख्तलिफ जगह बेचें, या इनफॉर्मल सेक्टर के हाथ बेचें, या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के हाथ बेचें। बहुत सारे जो भट्टे हैं वो इस कूड़े की वजह से चल रहे हैं, और इसको अगर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो जितना खर्चा हो रहा है, एक वक्त हमने हिसाब लगाया था कई साल पहले कि कई अरब रुपया खर्चा होता था सारे यहाँ पे, उस दौरान 5 डिस्ट्रिक्ट थे, इन सब का मिला के, फिर कंटोनमेंट बोर्ड अलग हैं, उसके बाद KPT अलग है, इन सब के पैसे अगर जमा करें तो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप इसका प्रॉपर डिस्पोजल कर दें तो अरबों रुपये आप कमा सकते हैं। हमारा शहर बहुत ही वेल ऑफ है, बहुत ही पाकिस्तान का दुनिया का सबसे 7वां बड़ा शहर है, तो इसका वेस्ट भी ऐसा निकलता है जो खाम माल है इंडस्ट्री के लिए। आज से 10 साल पहले जो मैंने हिसाब लिया था वो 1 करोड़ का डेली निकल रहा था, और शॉपिंग बैग्स इस आपको बताया गया 12,000 रुपया टन जा रहा है जनाब, एक एल्केटीन उसमें एक है वो 50,000 रुपीज़ अ टन जा रहा है, लोहा इस वक्त जो है 28,000 रुपया टन जा रहा है,
और कागज, ये फटा हुआ कागज जो है यूं 15,000 रुपया टन हमसे उठा रहे हैं, आगे तो और भी ज्यादा है, बल्कि 22,000 रुपया टन जा रहा है। यही वजह है कि हम लोगों से कहते हैं जो बिजनेसमैन है कि भाई जाके बैंक लगाओ, आपको ये बैंक की तरह कमा के देगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, सबके सब लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसीलिए कनाडा में बाकायदा गार्बेज कंट्रोल पुलिस मौजूद है। सोच कनाडा में भी ये सब कुछ चलता है, ये तो अपना पाकिस्तान है, बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम। अगर पाकिस्तान में कचरा कंट्रोल पुलिस बना दी जाए तो क्या होगा? गलत जगह कचरा फेंकने पर जुर्माना कितना होगा? गलत जगह कचरा फेंकने वालों को सजा क्या दी जाएगी? कचरा कंट्रोल पुलिस के अहलकारों की तनख्वाह कितनी होगी? फिलहाल तो कोई पाकिस्तान में ऐसे कुछ आसार नहीं है। क्या सजा देनी चाहिए? मेरे ख्याल से उनके घर के अंदर जाके डाल देना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हमारी गली में खुद इतना कचरा हो जाता है, बिल्कुल देने चाहिए, बहुत सख्त सजा देनी चाहिए। पुलिस ना सही, मगर हमें यकीनन किसी ना किसी तरह की फोर्स की जरूरत है जो हमें शहर के गली कूचे साफ रखने में मदद कर सके, जैसा कि ये इनविजिबल फोर्स। तो देखा जनाब आपने, आज हमारी ही सुस्ती और काहली की वजह से कचरा हमारे लिए ही मसला बनता जा रहा है। अगर आज हम सिर्फ अपनी इतनी आदत बना डालें कि अपना कचरा डस्टबिन में डाला करें और इसे किसी ऐसी जगह पर ले जाके फेंके जहां इसे आसानी से कचरे वाला उठा के ले जा सके, तो कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर देंगे। ये ले, देखा आपने, आइए जरा इनको भी समझाते हैं। अबे ऊपर कहां जा रहा है? क्या देखता नहीं है लिफ्ट नहीं है? लिफ्ट नहीं है, चौथी मंजिल पे है। ठीक है, चलता है, सब चलता है। पाकिस्तान में और क्या क्या चलाऊ काम हो रहे हैं ये देखने के लिए देखते रहिए चलता है।